हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपिका। क्विक एंड सर्व चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और टेस्टी बनने वाली पनीर की खीर। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर। ये होममेड पनीर है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे और फिर हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें आधा लीटर फुल फैट क्रीम दूध डाल देंगे और इसे उबलने के लिए रखेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो अब हमने इसमें डालना है 2 चम्मच मिल्क पाउडर के। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस लगता है और इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। और फिर हमने दूध में थोड़ा केसर भिगोकर रखा था, वो डाल रहे हैं। केसर डालने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और चुटकी भर इलायची पाउडर डाल रहे हैं। लो फ्लेम पर ही हमें इसे लगातार चलाना है और आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें जो हमने पनीर कद्दूकस किया था वो डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। लीजिए हमारी टेस्टी और डिलीशियस पनीर की खीर बनकर तैयार है। आप इसे सर्विंग बाउल में निकालिए और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।